जो समस्याएं हैं उसमें मुख्य रूप से आपका पत्ती लपेट और तना छेदक, ये दो कीट आते हैं, इनका नियंत्रण आपको करना है। और इसके अलावे जो फफूंद जनित बीमारियां हैं, और खासकर इस किस्म में तो फफूंद की बीमारी नहीं आई क्योंकि उसके लिए हमने बनाया है इसको, लेकिन और किस्में जो रुपाई विधि द्वारा भी किसान भाई लगाए हैं उसमें सीथ ब्लाइट और इसके साथ साथ ब्लास्ट यानी कि झोंका रोग, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं जो आने वाली हैं। ये देखिए, ये लक्षण जो है ये पत्ती का झुलसा रोग का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो बीच का सिरा है पत्ती का वो वहाँ से सूखना शुरू होता है, किनारे सूख जाते हैं और इस प्रकार से ये नीचे की तरफ बढ़ता है। तो ये पत्ती के झुलसा रोग का जो है मुख्य लक्षण है। इस बीमारी के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा 6 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 200 लीटर पानी में डालकर के इसका छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। और इसके प्रबंधन के लिए दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात आपको करनी है वो ये है कि खेत में पानी थोड़ी देर के लिए आप निकाल लें, खेत को सूखा रखें और नत्रजन खादों का प्रयोग जो है उसको थोड़ा सा सीमित कर दें। अगर नत्रजन का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो पत्ती का झुलसा रोग बहुत ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्ती लपेट और तना छेदक कीट का भी प्रकोप आप हो सकता है, इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है कई दवाएं हैं, जिसमें कि टेक्निकल अगर हम बात करें तो क्लोरंटी यानी प्रोल, और ये कई नामों से आती है, फर्टेरा, कास्को, प्रदान, केल्डान, इस तरह की और दवाएं इसमें आती हैं जिनका छिड़काव आप कर सकते हैं, करीब 4 किलोग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आपका जो है फ्लूगेंडामाइड एक दवा आती है जो फेम के नाम से बाजार में मिलती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, करीब 30 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें तो इससे भी नियंत्रण होता है। अगर हम बात करें झोंका रोग की यानी ब्लास्ट की बीमारी की और इसके साथ साथ सीथ ब्लाइट की, तो उसके नियंत्रण के लिए आपको एजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, ये दवा जो है एमिस्टार टॉप और गोडिवा सुपर के नाम से आती है, इसकी करीब 200 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें तो इसका अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एजॉक्सिस्ट्रोबिन है उसको टेबीकोनाजोल के साथ मिला करके फॉलिक्लोर एक दवा आती है जो कि 300 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी मिला करके इसका छिड़काव करें।